लाइफ इज शॉर्ट, ईट योर डिजर्ट्स फर्स्ट, अर्थात जीवन बहुत छोटा है, जितनी भी बढ़िया चीज़ें आपको जीवन में करनी है फटाफट कर डालिए। और आज हम भी शुरुआत कर रहे हैं मीठे से। हम बनाएंगे पाइनएप्पल एंड कोकोनट बर्फी, फ्रूटी फ्लेवर, इट्स लाइक पीना कोलाडा, यू नो, पाइनएप्पल एंड कोकोनट मिक्स टुगेदर, सिंपल, वेरी इजी। और फेस्टिविटीज़ के दौरान एक बढ़िया मिठाई है अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए। साथ ही यू विल गेट ब्रैगिंग राइट्स के लोग पूछेंगे, यार ये कैसे बनाई? फिर आपको उस वक्त बताना उनको कि शेफ कुणाल की रेसिपी है, उनका एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो लाइक करो, कमेंट अच्छे छोड़ो, ऑल ऑफ दैट। या सो लेट्स बिगिन पाइनएप्पल एंड कोकोनट बर्फी। बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे चीनी और उसमें जाएगा पानी, सिंपल। इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। चीनी को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, पिघल जाएगी पानी के अंदर, गैस बंद कर देंगे। इन द मीन टाइम हम लेंगे पाइनएप्पल, ये डाइस्ड पाइनएप्पल है, और इसमें हम डालेंगे कोकोनट और जरा सा पानी। इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर, जो इसे आसानी से ग्राइंड कर देगी। परफेक्ट, पिस गया जी, पिस गया, ये गिर गया इसके ऊपर, बट घबराने की कोई बात नहीं है। बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर की जो बॉडी है वो आती है एंटी स्टेन कोटिंग के साथ, यानी हल्दी जैसे गाढ़े दाग या फिर चकुंदर या फिर पालक जैसे दाग मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर पड़ भी जाएं, साफ कीजिए और वो गायब, एंटी स्टेन। इसे अब हम छान लेंगे। सो बेसिकली हमें पाइनएप्पल और कोकोनट का जूस चाहिए, इसे बस अच्छे से हमें छान लेना। There you go. Now, इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर क्या करेगा, इसको बाइंडिंग देगा। कीप मिक्सिंग इट। और हाँ, अगर आप कॉर्नस्टार्च यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लेमन येलो फूड कलर डाल सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लंप्स ना हो। शुगर सिरप तैयार है, चीनी डिजॉल्व हो गई है, दैट्स इट, थिक नहीं करना इसे, और इसे जरा सा ठंडा करना है। मैं इसे ट्रांसफर करता हूं बड़े बर्तन में। और गैस को बंद रखे हुए हमें इसमें जूस डालना है, स्लोली एंड कीप मिक्सिंग। लुक एट दैट ब्यूटीफुल कलर। गैस को करेंगे ऑन और इसे अब हमें पकाना है। देखिए, जैसे इसको हीट लगेगी ना, वो थिक होना शुरू होगा और ये पूरा का पूरा जो जूस है वो रिड्यूस होना शुरू होगा। एज यू कैन सी, ये काफ़ी थिक हो गया है। जैसे जैसे कस्टर्ड पकेगा, पाइनएप्पल और कोकोनट जूस को वो थिकन कर रहा है। इस स्टेज पे हमें बिल्कुल भी इसे स्टर करना नहीं रोकना। ये देखिए क्या ग्लेज आया, क्या शाइन आई है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी इसके अंदर और भी जाएगा, लेकिन छोटी छोटी स्टेजेस में ही डालना है, एक साथ डालेंगे वो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। और घी डालने से क्या होगा, ये जो कस्टर्ड का जो टाइटनेस है उसे कट करेगा, तो उसको बहुत ही सॉफ्ट सा एक टेक्सचर देगा। तो मेटेरियल लगेगा घी डालने के बाद कि ये सारा स्प्लिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कीप स्टरिंग, वो आपस में मिल जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा घी और, बहुत बढ़िया खुशबू घी की, पाइनएप्पल की ना, ये साथ में इस तरीके से आ जाना चाहिए कि आप आराम से इसे यूं पलट सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अब लाख रुपए का सवाल यह है कि कितनी देर इसे पकाना है। देखिए, करछी में लीजिए यूं और करछी को उल्टा कर दीजिए। अगर नहीं गिरता, जब बहुत समय लेकर गिरता है, मतलब ये तैयार है। सो दिस इज रेडी। इसे अब हमें मोल्ड में डालना है। ना, मोल्ड को तैयार करने के दो तरीके हैं। या तो आप कोई भी मोल्ड लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी लगाइए, हो जाएगा, आराम से निकल आएगी। या फिर आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर गोज इन
गिव इट वन लिटिल टॉस और इमीडिएटली इसे अब हमें मोल्ड में डालना है। इसे अब हम फैला लेंगे राइट टिल द कॉर्नर्स। देखिए इस स्टेज तक सिंपल था, अभी भी बहुत सिंपल है। इसे रेस्ट देना है, 2 घंटे तक ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, करीबन 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद इसे हम काटेंगे। मेरे पास तैयार है, फ्रिज से लेकर आता हूँ। देयर इट इज, बिल्कुल परफेक्ट, नाइस एंड सॉफ्ट। इसे अब हम पलट लेंगे। पलटना भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पील दिस अवे, लुक एट दैट। एक्चुअली में लग रहा है कि कोई होती है ना आइस लॉली, बिल्कुल वैसी, सो प्रिटी। और हमारी पाइनएप्पल कोकोनट बर्फी डन। साथ ही मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं।